आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने शनिवार को न्यू बरगंडा रोड स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर राय ने कहा कि झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार जब से बनी है तब से झारखंड में लूट डकैती हत्याएं हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ की संपदा को लूटकर राज्य को खोखला बनाने में लगी हुई है। बालू पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूछताछ को लेकर ईडी ने 8 बार मुख्यमंत्री को समन भेजा जा चुका है। अंतिम बार मुख्यमंत्री ने ईडी को पूछताछ के लिए आवास पर बुलाया है तो कई लोगों को हथियार लैस होकर अपने आवास पर खड़ा करवा दिया ताकि ईडी वहां प्रवेश ही ना कर सके। उन्होंने झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी शुरू से सिर्फ लोगों से वादा करती है और उसे पूरा करने में नाकाम रहती है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बिहार से जब झारखंड अलग होकर राज्य बना था उस समय गिरिडीह के लोकप्रिय नेता बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद बिहार के समय जो काम झारखंड के लिए रुका था वह सारे कार्य हो गए थे। मेडिकल कॉलेज बने, रोड बना, स्कूल और हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि मुझे कोडरमा और गिरिडीह से काफ़ी लगाव है। उम्मीद भी नहीं थी कि कोडरमा से हम सांसद बनेंगे लेकिन जनता के अपार समर्थन और आशीर्वाद से एमएलए बना और कोडरमा और लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं की बातों को सदन में रख सका। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से निरंतर लोगों की सेवा करते रहेंगे और पार्टी जो जिम्मेदारियां देंगी उसका बाखूबी निर्वहन करेंगे। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष सिन्हा, संजीत सिंह, पप्पू सदानंद राम आदि मौजूद थे। झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट। उनके छोटे छोटे समर्थक जो उनके व्यापार देखते थे, जो उनके खदान चलाते थे, जो उनके राजनीतिक प्रतिनिधि बनकर के काम करते थे, वो अधिकारी और सब गुमास्ते जेल के अंदर चले गए। तो आका बाहर कैसे है? जो उनके अधीनस्थ लहराने वाले जो कार्यकर्ता और कर्मचारी थे वो कानून के नज़रों में ऐसे दोषी हुए कि उनको बेल नहीं हो रहा है। 6-6 महीने से जेल में है, साल साल भर से जेल में है। डॉक्टर सरफराज अहमद काफी और इसी है। मैं एक मिनट खाली इतना कहूँगा, इसीलिए मुझे लगता है कि ईडी भी अपनी प्रतिष्ठा बचाए और यदि बाकी लोगों को जेल में भेजे तो मुख्यमंत्री को संविधान से ऊपर न करे, उस पर भी अपनी कार्रवाई दिखाए। डॉक्टर सरफराज अहमद काफ़ी सीनियर लीडर हैं और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, सम्माननीय श्री सरफराज अहमद साहब से मेरे पुराने रिश्ते रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और हमारी हमदर्दी भी है। अब किस राजनीतिक शिकार के हो गए वो, या ऐसी गलती कैसे उन्होंने की? क्या उनको ये पता नहीं था कि इसके पूर्व में हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है जिसमें साल भर से कम समय में चुनाव नहीं हो सकता है? या गांडे की जनता ने कौन सा गुनाह किया था जिसको उन्होंने अगले चुनाव के 1 साल पहले ही विधायक विहीन बना दिया? अब गांडे की जनता अपना दुख दर्द लेके किस विधायक के पास जाएगी? और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गांडे से न मेरी पत्नी लड़ेगी न मैं लड़ूंगा। ऐसी हालत में आखिर उन्होंने रिजाइन किया तो किया क्यों? कोई बड़ा पद मिलने वाला था या मिलेगा तो उसके लिए रिजिग्नेशन की जरूरत नहीं थी, या वो फिर कांग्रेस की ओर लौटने वाले हैं इसलिए जेएमएम छोड़ दिया? मुझे तो लगता है एक पीड़ा उनके मन में बहुत दिनों से थी कि उनसे बहुत ही जूनियर जो बिना विधायक रहे यहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्री बन गया और झारखंड का वो सबसे सीनियर राजनीतिक नेताओं में से एक है। मैं तो मुझे लगता है जेएमएम में एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो शायद उनसे सीनियर कोई झारखंड में। क्या जेएमएम में वो घुटन महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से घुटन महसूस कर रहे हैं वो जेएमएम में, और इससे ज़्यादा घुटन क्या होगा कि एक नए आदमी को मंत्री बनाया जा रहा है और एक सबसे सीनियर आदमी को एक साधारण सदस्य के रूप में, सामान्य सदस्य के रूप में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनकी सुनी भी नहीं जा रही है। गिरिडीह में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मुख्य धारा में शायद उनको महसूस नहीं कर पा रही थी। यहाँ स्थानीय स्तर पर भी जो मुझे सूचना है जेएमएम के नेताओं के बीच उनको एक प्रकार से कहिए द्वितीय श्रेणी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर माने जा रहे थे। तो इन परिस्थितियों में अपने मन का बात
उन्हें निकालना चाहिए, जनता के बीच शेयर करना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने रिजाइन करके। गांडे की जनता को क्या जवाब देंगे भविष्य में? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।